नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आंकड़े जो हैं बिहार में 23,000 के पार हो चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप तस्वीरें देखते होंगे, लगातार जो आंकड़े हैं वह काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 1742 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 23,000 के पार हो गई है। शुक्रवार को जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नए संक्रमण के मामले यह अब तक के सर्वाधिक संख्या में हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में 1742 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से 16 जुलाई को 901 और 841 की 15 जुलाई या उससे पहले की जाँच की गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बिहार में अब तक 3.5 लाख जाँच किए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी हमें मिली है हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी रिपोर्ट्स की आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में संक्रमण काफ़ी तेजी से ना फैले, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार ने भी पहल करनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए हालात का जायजा लेने के लिए विशेष दल भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस टीम में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर एसके सिंह और दिल्ली एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की यह टीम जल्द ही बिहार आएगी और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारणों का पता लगाएगी। साथ साथ अस्पतालों के मामले में भी देखा जाएगा, मंत्रालय ये देखेगा कि क्या कुछ बातें जो है वो सामने निकल के आ रही है। देखिए, हम आंकड़े इसलिए आपको कह रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि आंकड़े जो है वो 23,000 के पार जा चुके हैं, 23,300 से अधिक हो चुके हैं। और जैसे इन आंकड़ों के बढ़ने की स्पीड है, अगर हम देश में बात करें तो देश में लगभग अब 11 लाख तक संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है लगभग पहुंच चुका है, 10 लाख के पार तो हो ही चुका है। लेकिन अब आपको देखने वाली बात यह है कि 2 से 3 दिनों में, अगर आप देश में देखेंगे 2 से 3 दिनों में 1 लाख संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ जा रही है। अगर अनलॉक के वक्त हम बिहार की तस्वीर देखें तो अनलॉक 1 की जब शुरुआत हुई थी बिहार में, उस वक्त महज 3300 पॉजिटिव मरीज थे बिहार में कुल, लेकिन अब वो आंकड़ा 23,000 तक पहुंच गया। सोचिए, महज 1.5 महीने के अंदर अंदर 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी, 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए थे, लेकिन महज 1.5 महीने में 3300 से 23,000 तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। बिहार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना की जो संक्रमण की चेन है वो पहुंच चुकी थी, वहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम कराया गया, उसके बाद जाकर के अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फरमान जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम नीतीश कुमार का ये फरमान है कि लक्षण वाले मरीजों की जाँच के लिए संस्थान तय कर दिया जाए। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि वैसे मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण है उन्हें किसी भी निर्धारित स्वास्थ्य संस्थान पर अपनी जांच कराने की सुविधा दिलाएं, इसके लिए संस्थान तय कर दें, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार हो या फिर आम लोग हो, उनकी सुख सुविधा के लिए ही, उनको बचने के लिए ही एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में, और 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद की स्थितियों को देखते हुए फिर फैसला लिया जाएगा, लेकिन अगर आप सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आंकड़े थमेंगे, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से विस्फोट हो रहा है, रोज आप आंकड़े देख रहे होंगे, कभी 200-300 तक आंकड़े आते थे बिहार में, अब 1300-1400-1700 तक आंकड़े आने लगे, उससे ज्यादा आने लगे। तो ऐसे में आपको सचेत रहना होगा। आप लाइव सीरीज पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।